आज मैं आपको बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक ले जाऊंगी, काफ़ी आराम से, मज़े में और काफ़ी बजट में। इसीलिए प्लीज़ वॉच दिस एंटायर वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल टू यू इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू एनीवेयर इन नॉर्थ ईस्ट। बागडोगरा एयरपोर्ट के पास ये वो एग्जिट एरिया है जहाँ से यू विल बी हैविंग ऑप्शंस अवेलेबल टैक्सी के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए या प्राइवेट टैक्सी के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको सूमो या ऑटो मिल जाएंगे, जहां पर आपको थोड़ी बार्गेन करनी पड़ेगी, 120 से 150 रुपये। हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, 150 रुपये में आप बागडोगरा एयरपोर्ट से बिहारी मोड़ आ जाएंगे। बिहारी मोड़ आते ही आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा और वहां से आपको सूमो और भी अलग अलग गाड़ियां मिल जाएंगी शेयरिंग में, जहां पर आपको लगेंगे 20 रुपये और आप 20 रुपये में बिहारी मोड़ से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे आराम से। तकरीबन 40 मिनट आपको लगेंगे क्योंकि हैवी ट्रैफिक होती है। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट है एक टैक्सी स्टैंड, काफ़ी भीड़ होगा और देखकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वहां पर आप किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि टैक्सी स्टैंड कौन सा है, वो बता देंगे। वहां से गैंगटॉक के लिए, दार्जिलिंग के लिए और भी कई जगहों के लिए आपको इजीली सूमो मिल जाएंगी जो शेयरिंग बेसिस पर चलता है। वहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग नहीं चलेगी क्योंकि आपको रिसीट लेना पड़ेगा। अगर आप गैंगटॉक जा रहे हैं तो आपको 250 रुपये की रिसीट लेनी पड़ेगी अभी का रेट। अगर आप काफ़ी समय के बाद देख रहे हैं तो शायद 250-300 उस समय के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे और आपको रिसीट मिलेगा। और फिर अगर आपके पास वक्त है तो आप गन्ने का जूस पी ले और कुछ कुछ खा ले, जैसे मैं गन्ने का जूस पी रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत गर्मी थी बस। और अब मेरी गाड़ी भी चलने को तैयार थी और हमारा सफ़र शुरू हो चुका था गैंगटॉक के लिए। तो चलो हम सफ़र को भी थोड़ा इन्जॉय करते हैं। पूरे वीडियो को देखना, सफ़र में आप देखेंगे कि रोड कैसा होता है और ट्रैफिक कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप बाइक से भी जाना सोच रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सिलीगुड़ी से निकलते रोड थोड़ा प्लेन था, लेकिन जैसे हम बाहर निकल चुके थे सिलीगुड़ी से, ऐसे रोड स्टार्ट हो चुके थे और बगल में तिस्ता रिवर। नज़ारे अच्छे थे, गर्मी बहुत थी, रोड ऐसा जिगजैग है, तो अगर आप बाइक से प्लान कर रहे हैं देन बी प्रिपेयर्ड कि इस तरीके के रोड आपको मिलेंगे। गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था, थोड़ी सी मुझे कहीं ठंडक मिल जाती, लेकिन खैर जैसे जैसे सिक्किम की ओर पहुँच रही थी तो वेदर वॉज बिकमिंग अ लिटिल बेटर। और ग्रीनरी आपको हर जगह मिलेगा, बहुत ज़्यादा वाओ व्यू मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ जहाँ ग्रीनरी है वो खूबसूरत तो होगा ही। ये जो रास्ता है ना ऊपर ही, यहीं से कैलिमपोंग के लिए चला जाता है और ये नीचे वाला सिक्किम की ओर। सो दिस इज द शेयरिंग कैब जिसे मैं आई हूँ। और सिलीगुड़ी में बहुत भयानक गर्मी, अभी तक गर्मी है, लेकिन हम अभी आधे रास्ते आ चुके हैं, बीच में गाड़ी रुकती है टू हैव लंच। दिस प्लेस इज खिरने, यहाँ से मेरे ख्याल से 2 घंटे और लगेंगे गैंगटॉक जाने में, लेकिन गर्मी ज़बरदस्त वाली है। फ़ूड ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि ऑन द वे या गैंगटॉक में या सिक्किम में आप जहाँ पर भी जाएंगे, आपको मोमोज, थुक्पा, ये सारी चीज़ ईजिली अवेलेबल होंगे। नेपाली थाली भी अवेलेबल होगा, मैंने ये ऑर्डर किया था मोमो, और यहाँ के वेज मोमोज भी बहुत अच्छे होते हैं और सफाई बहुत अच्छी खासी होती है। तो बस खा कर हम चल पड़े थे गैंगटॉक की ओर। सिक्किम एंटर होते ही रास्ते और ज़्यादा जिगजैग हो रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी हिमाचल की तरह नहीं था, क्योंकि हिमाचल में बहुत तीखा मोड़ होता है, यहाँ पर उतना ज़्यादा तीखा तो नहीं था। और अगर वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता जा रहा था, अच्छा लग रहा था। बीच में ऐसे एक दो टर्नल्स आते हैं और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा था, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जो गर्मी, जो ह्यूमिडिटी और जो थकान जो उस वक्त फील हो रहा था ना शुरू में सिलीगुड़ी में, वो अब जा चुका था। लेकिन जैसे हम गैंगटॉक टाउन सिटी में एंटर किए ना, हैवी ट्रैफिक,
हैवी ट्रैफिक, और यहाँ आकर मुझे थोड़ा सा शिलोंग का याद आ रहा था, बट शिलोंग इज मच बेटर देन गैंगटॉक आई मस्ट से, सॉरी इफ आई हर्ट एनी बडी सेंटिमेंट, बट मुझे वो ज़्यादा पसंद आया। खैर दैट विल बी अ लिटिल पार्शियल टू मेक एनी जजमेंट, क्योंकि अभी बस कुछ ही समय हुए थे। तो दिस इज द टैक्सी स्टैंड जहाँ पर मैं अभी उतरी हुई हूँ। शाम बहुत प्रेजेंट हो रही है यहाँ पर, और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है गैंगटॉक में, दैट इज वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। यहाँ के लोग बड़े अजीबोगरीब हैं, जो मैं आपको बाद के ब्लॉग में बताऊंगी। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरा पेट बहुत अजीब हो चुका है, पैर बहुत ज़्यादा स्वेल कर चुके हैं। मुझे बस फटाफट अपने हॉस्टल में जाना है एंड आई नीड टू टेक सम रेस्ट। फिर मुझे कल की प्लानिंग करनी है कि मैं क्या करूँ। तो जो भी मुझे टैक्सी मिलता है मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे जा रही हूँ, पब्लिक में जा रही हूँ, प्राइवेट में जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कितना फेयर है, मैं सब कुछ आपको अपडेट करूँगी। स्टे ट्यून्ड। जो मैंने आपको देवराली टैक्सी स्टैंड बताया ना, मैं वहीं पर हूँ और यहाँ से आपको शेयरिंग भी मिल जाएगा। लाइक आई एम गोइंग टू हॉस्टल, वहाँ पर मेरा स्टे है, तो वहाँ जाने के लिए आपको यहाँ से शेयरिंग में मिल जाएगा। बट आई एम वेरी टायर्ड और मैं 3-4 बार नहीं चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगा एंड दे विल बी चार्जिंग यू जितना उनको दिमाग करे, लेकिन 200 तक आप इजिली आप जा सकते हो। कभी मेरे फ्रेंड्स गए जो 150-180 में भी जाते हैं, बट 200 इज अ नॉर्मल चार्ज, आप जा सकते हो। ये है गैंगटॉक का लाल बाजार, ऑन द वे मुझे दिखा तो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। वैसे आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हॉस्टल में डॉर्म्स कैसे होते हैं, और बस चलते। देखा आपने डॉर्म्स ऐसे ही होते हैं, मिक्स डॉर्म, फीमेल डॉर्म, मेल डॉर्म्स। तो ये जो डॉर्म है ये 4 बेड है यहाँ पर, 1, 2 एंड दिस साइड 3 एंड 4, दिस इज माइन। ये 2 पर अभी कोई नहीं आया हुआ है, और वहां पर शायद कोई बंदी होगी जो अभी यहाँ पर नहीं है। तो आज का दिन भी कुछ ऐसे ही था, सफर वाला, लेकिन आज का दिन भी मैं जाया नहीं होने दूंगी। अभी 7 बजने को है और बस मैंने फेस वॉश किया है, कॉम्ब भी नहीं किया है, कल का ही किया हुआ है, बट स्टिल ठीक है, सही है। और ऐसे ही मैं जाऊंगी अभी MG रोड, वहां पर थोड़ा वॉक करूंगी, देखती हूँ मैं क्या खा सकती हूँ, बहुत खाऊंगी जितना मन करता है, लेकिन मैं ये सोचकर तो जाती हूँ कि बहुत मन करता है लेकिन ज़्यादा नहीं खा पाती, देखती हूँ। और मार्केट देखूंगी, ज़्यादा कुछ व्लॉग शूटिंग ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बस रिलैक्स और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। एंड आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, कितना ईजिली आप सिक्किम आ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कुछ भी लगा कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, देन प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन ब्रिंग बेटर कंटेंट फॉर यू। थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद, 1/2 घंटे रेस्ट लेने के बाद मैं निकल चली थी MG मार्ग मॉल रोड गैंगटॉक का, और थोड़ा वॉक किया। वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट, थोड़ी ठंडी ठंडी सी लग रही थी, अच्छा लग रहा था, हल्का फुल्का कुछ खाया। ऐसे ही देखा शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन है, 1-2 चीज़ें अच्छी भी हैं, तो बस थैंक यू।